स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। पहले हम एडवांटेजेस पे बात करते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं सर्वे रिसर्च में इन क्वेश्चन और इन इंटरव्यू शेड्यूल तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन एक्चुअली परमिट अस एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चनर में या इंटरव्यू शेड्यूल में तो आपके पास नंबर ऑफ जो है आंसर्स आ सकते हैं फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स जिसको आप कंटेक्चुलाइज करके भी देख सकते हैं और इसको जिसको आप थेमेटाइज करके भी देख सकते हैं एंड रिस्पॉन्डेंट्स कैन आंसर इन डिटेल एंड कैन क्वालिफाई एंड क्लैरिफाई रिस्पॉन्स अगर आपकी अगर रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं जो आपकी स्टडी के वो लिटरेट हैं और वो एक स्पेसिफिक जो है सोशल क्लास से तल्लक रखते हैं जैसे कि मिडिल क्लास यहां पर क्लास और वो लिटरेट हैं तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन फिर जो है बड़ा यूजफुल हो हो जाता है आ, वो आपको जो अपना आंसर है वो एक नैरेटिव फॉर्म में डिटेल में प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो उसको विद लॉजिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन हेल्प अस डिस्कवर अनएंटिसिपेटेड फाइंडिंग्स जब आपने कुछ जो है अनपॉपुलर जो है नैरेटिव्स को डिस्कवर करना है या आपने कुछ जो है नॉर्मल रूटीन मैटर से हट के बातें सुननी है रिस्पोंडेंट से तो इसके लिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चन एक अच्छी स्ट्रेटजी है ओपन एंडेड क्वेश्चन परमिट एडवोकेट आंसर्स टू कम्प्लेक्स इश्यूज Uh, ये आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप कोई कंप्लेक्स इशूज़ को स्टडी कर रहे हैं जैसे गवर्नेंस की बात है जैसे इन्फ्लेशन की बात है जैसे जो है हाउ टू रिड्यूस पावर्टी इन द कंट्री की बात है तो इस पे अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उनको आप अगर इस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको बेहतर आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन परमिट क्रिएटिविटी सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिचनेस ऑफ डिटेल मैंने जैसे आपके पिछले मड्यूल में, में भी बात की थी जो एक्सप्लोरेटिव स्टडीज होती हैं उसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा जो है डेटा चाहिए होता है जिससे हमको थमेटाइज कर सकें चीज़ों को तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन की तो फर्स्ट डिसएडवाटेज इज़ दैट डिफरेंट रिस्पॉन्स्पॉन्डेंट्स गिव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिटेल इन आंसर्स अगर आपकी जो है पॉपुलेशन जो है आपका जो, जो, जो सैम्पल है वो होमोजीनियस इन नेचर नहीं है उसके डिफरेंट स्टेट हैं तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो डिफरेंट इन नेचर होंगे कुछ ने बड़ी डिटेल में बताए होंगे कुछ ने बहुत शॉर्ट बताए होंगे तो ये एक डिसएडवांटेज है ओपन एंडेड क्वेश्चन का रिस्पॉन्स में भी इ रेलीवेंट और बरिड इन यूजलेस डिटेल सम टाइम वेन यू आर सर्वेइंग द हाई प्रस्टीज पीपल और ब्यूरो और एकमिया तो उसमें यह भी होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी डिटेल्स भी फिर सुनना पड़ती हैं या उन्होंने दी होती है जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं होती कंपेरिजन एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बिकम वेरी डिफिकल्ट वेन यू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके थीमेटाइज तो कर सकते हैं पर इस पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना एक मुश्किल काम है कोडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स इज डिफिकल्ट ओपन एंडेड से जो आपने रिस्पॉन्स लिए हैं वो उसको कोड करना और थेमाटाइज करना एक मुश्किल काम है आर्टिकुलेट एंड हाईली लिटरेट रिस्पोंडेंट्स हैव एन एडवांटेज ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले भी बात की है ये लिटरेट पॉपुलेशन के लिए तो ठीक है अगर आप इलिट्रेट uh, पॉपुलेशन या ऐसी पॉपुलेशन जो कि पढ़ना लिखना नहीं चाहती उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी uh, ये है कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स ना मिले अपने क्वेश्चंस के इसके साथ साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी टू जर्नल फॉर रिस्पॉन्डेंट हु लूज डायरेक्शन अगर आप कुछ ऐसी uh, जो है बातें कर रहे हैं जो कि Uh, आपका रिस्पॉन्डेंट बड़ा कॉमन एंड कॉमन है स्पेसिफ़िक नहीं है तो वो मेरे लिए मेरे ख़्याल में उनके लिए जो है मुश्किल होगा उनको आंसर करना फॉर इंस्टेंस अगर आप एक जो है बिजनेस कम्युनिटी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर कर कर सकते हैं तो मे भी वो बिज़नेस ट्रेड से रिलेटेड तो आपको चीज़ें बता दें पर गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उनके लिए शायद ये मुश्किल काम हो बताना रिस्पॉन्स आर रिटर्न वर्बम विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंटरव्यूज ये जैसा कि पहले भी बताया आपको कि जो है वर्बम को एनालाइज करना एक मुश्किल काम है एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्डेंट टाइम थाट एंड एफर्ट इज नसेसरी ओपन एंडेड क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड करना जो है वो रिस्पोंडेंट के लिए जो है, एक डिफ़िकल्ट टास्क टू डू होता है यानी उसमें ज़्यादा वक्त लगता है उसको ज़्यादा सोचना पड़ता है और उसको जो है वो आपको जो रिस्पोंड करने के लिए ज़्यादा जो है वो लिख के देना पड़ता है तो क्लोज एंड में उसको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती रिस्पॉन्डेंट्स कैन बी इंटिमिडेटेड बाय द क्वेश्चन तो इसमें सम टाइम ये होता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लीडिंग होता है तो वो इससे इंटीमिडिएट भी कर सकते हैं एंड आंसर्स टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन द क्वेश्चन अगर तो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ईयर में कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल रहे हैं तो उसमें आपको फिर अच्छी खासी उसके लिए स्पेस छोड़नी पड़ेगी अगर आपका इंटरव्यू कैजल है और आप उसको अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाता है मगर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ईयर जैसा कि मेल किया हो आपने तो उसमें फिर आपको उसके लिए अच्छी खासी स्पेस छोड़नी पड़ती है जिससे लेंथ ऑफ द क्वेश्चन ईयर बढ़ जाती है